पिछोर के ग्राम मनपुरा में विदाई समारोह और मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। मनपुरा पंचायत के सभागार में विकास नव युवा समिति के तत्वाधान में युवा जिसमें भौंती थाना प्रभारी संजय मिश्रा जी का विदाई समारोह रखा गया। मिश्रा जी विगत 10 माह से भौंती थाना पर पदस्थ थे और क्षेत्र में बहुत ही सूझबूझ के साथ शांति और सौहार्द का वातावरण उन्होंने तैयार किया। साथ ही नवागांतुक थाना प्रभारी अनिल मिश्रा जी का थाने पर पदस्थ होने पर स्वागत किया। इसी बेला पर मनपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल और भौंती स्कूल की 8 छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। उन्होंने बोर्ड परीक्षा 90% से ऊपर अंक अर्जित किए, उनके लिए समिति द्वारा प्रशस्ति पत्र सम्मान पदक प्रदान की। सभी मंचासीन अतिथियों ने उनको उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में भौंती सरपंच पति अखिलेश गुप्ता, मनपुरा सरपंच पति बंसल श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ समाजसेवी एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री शंकर कुशवाहा जी आदि कई नागरिक उपस्थित रहे। गणमान्य नागरिक, छोटी छोटी बच्चियाँ, हमारी छात्राएँ, बिटियाँ, माताएँ, बहनें, जिस तरह हमको दिया, मैं सबका बहुत बहुत आभारी इस पंचायत की तरफ से और गांव की जनता की ओर से आदरणीय सर का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और बस मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चियों ने नाम रोशन किया है, ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, क्योंकि शिक्षा समझो बही सफल जो कर दे आचार विमल। उन्होंने अपने बच्चों का नाम रोशन किया, सभी का पुनः धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चूँकि अब मैं जाना क्या बोलूँ, मैं भी इनको लगभग 2004 से जानता हूँ। इनके काल की जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। और मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि जो डर पुलिस और जनता के बीच में पहले रहता था कि एक आम आदमी थाने में जाने नहीं डरता था, या था नौ साहब पुलिस हमें बैठा दिया, जो डर जो खाई को हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब संजय मिश्रा जी ने कम किया है। अब आदमी सहज रूप से थाने में जाता था और मैं मिश्रा जी के साथ समस्त स्टाफ को भी बहुत बधाई देता हूँ कि आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कि सबको मान सम्मान से बोलता है, कभी भी कोई गलत एफ आई आर नहीं होती। आपसे पहले भी कहीं आए अच्छे थे, बुरा कोई नहीं होता। और मैं ये भी आता, हमारे बड़े भाई साहब भरद्वाज जी आए हुए हैं, मुझे आपसे सुकून आता है कि इसी तरीके से आप इस थाने को सही तरीके से वो करेंगे। और हमारा गांव, मैं किसी गांव की बुराई नहीं करता हूँ, हमारे इस गांव में बहुत ही बड़ी थाना हो, लेकिन मनपुरा में हमेशा थाना पारियों का प्रेम मनपुरा से हमेशा ज़्यादा लगा रहा है। भले ही मतलब मुझे बात को बुद्धि अन्य गाँव के लोगों को थोड़ा बेहतर लगा। संजय भाई साहब, बसंत भाई, जयकार मिश्रा जी, बसंत और बेरो मिश्रा जी कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। और जो भी छात्र छात्राएँ कक्षा 10वीं में 12वीं में यहाँ से प्रारंभिक सूची में आई हैं, नंबर नाम रोशन किया है, उनको उनके माता पिता को भी मैं बहुत बहुत। और उसके बाद भी काम ना हो पाए, यदि आप लोगों ने सोच लिया। मैं तो भौती और मनपुरा में हमेशा कंपटीशन देखता हूँ कि दोनों में कौन सी पंचायत ज्यादा अच्छा करती है। यहाँ का पंचायत भवन आप देखिए, मनपुरा का पंचायत भवन, आसपास के गाँव में ऐसा हो कोई पंचायत भवन नहीं। पंचायत भवन बनाने के बाद उसको मेंटेन भी करना। यहाँ का स्कूल आप देखिए, यहाँ का जिला वो चिकित्सालय जो PSC प्राथमिक स्वास्थ्य CSC बोल दिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो वो उसको देखिए सब जितने अच्छे ढंग से मेंटेन्ड है कि व्यक्ति बनवा तो लेता है पर बनवाने के बाद उसको लगातार उसकी देखरेख करना और उसको उस अवस्था में रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये तभी संभव होता है कि जब पूरे गाँव का उसमें सहयोग मिले, गाँव के एक बड़े वर्ग का उसमें सहयोग मिले। निश्चित रूप से मनपुरा की जनता जागरूक है, सहयोगात्मक है, और इसीलिए इतना बड़ा गांव होने के बाद भी यहाँ रिपोर्टिंग कम होती है, कंपेरेटिवली रिपोर्ट कम होती है, शिकायतें कम आती हैं। सरपंच साहब ने प्रयास करके सहायता केंद्र खुलवाया, किंतु बल की कमी के कारण अभी तक, पर निश्चित रूप से अब बहुत बड़ी संख्या में भर्ती हो रही है, आगे बल की पूर्ति भी होगी तो सहायता केंद्र सुचारू रूप से चलने भी लगेगा। जो गाँव वालों की शिकायत थी बल की कमी की वजह से पूर्ति नहीं हो पाई। मैं जब 2004 में पहली बार यहाँ आया था तो पहली बार आके मुझे शिवपुरी जिला भी बड़ा अच्छा लगा था और फिर यहाँ भौती थाने में आने में भी बड़ा अच्छा एक प्राकृतिक वातावरण जो था वो लगा कि अच्छी जगह, लोगों से मेलजोल और लोगों के पहले ट्रांसफर के बाद जो प्रयास करके दोबारा मुझे बुलवाया, तो ऐसे में मेरे ऊपर एक कर्जा हो गया था और वो तीसरी बार में मुझे उतारने का अवसर मिला और मैंने उसका प्रयास किया कि जितना के जाऊं। आप लोगों से जो सहयोग मुझे मिलता रहा है
निश्चित ही रूप से आगे भरद्वाज साहब को भी वो सहयोग आप सभी से प्राप्त होता रहेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो विजन है स्वच्छ भारत, तो मैंने भी थाने में भी वही प्रयास किया है। सभी लोग आए कोई, जब हम किसी अच्छी जगह जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो हमारा मन प्रफुल्लित होता है, विचार बदलते हैं, लड़ाई झगड़े की भावना से दूर होते हैं। तो ऐसा ही सभी जगह हम अंतरा में आप लोग लगातार प्रयास करते ही हैं, भौती में भी हो, भौती सरपंच साहब लगातार बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष जो वृक्षारोपण किया था उसमें से 90% से अधिक पेड़ लग गए, लगातार हमने ध्यान रख रहे हैं। बाकी बाकी बातें भी जो है लगातार मुझे भी सहयोग मिलता रहा, आपके भरद्वाज साहब को भी सहयोग मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि यह विद्यालय यहाँ मनपुरा का छात्राएं सभी इसी तरह से मनपुरा का नाम रोशन करते रहेंगे। आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।